हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग एंड डेमोंस्ट्रेशन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ बजाज कंपनी के रिसेंटली लॉन्च किए गए डेजर्ट कूलर का। और इस डेजर्ट कूलर का मॉडल है DC55DLX। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं एक नए डेजर्ट एयर कूलर के मॉडल के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके बॉक्स पे प्रोवाइड की गई डिटेल्स को। सबसे पहले देख सकते हैं बजाज कंपनी की ब्रांडिंग और ये एयर कूलर कुछ इस तरह का दिखता है। और इस एयर कूलर का मॉडल आप नीचे देख सकते हैं, DC55DLX, और इस पे मिलती है हमें 1 ईयर की वारंटी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कूलर के फीचर्स को। 55 लीटर्स की वाटर टैंक प्रोवाइड की गई है, हेक्सा कूल एंड टर्बो फैन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है। साथ में मिलता है हमें आइस चैम्बर एंड सुपर एयर डिलीवरी। आप यहाँ पे देख सकते हैं 70 फीट तक की पावरफुल एयर थ्रो है। 3 साइड कूलर मास्टर लगा है। 3 स्पीड कंट्रोल भी प्रोवाइड की गई है। एंड इसके नीचे भी आप देख सकते हैं कि इसकी कुछ अदर डिटेल्स। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसकी कुछ अदर डिटेल्स। इसमें प्रोवाइड किया गया कैस्टर व्हील्स फॉर इजी मोबिलिटी। आप इसे परचेस करने के बाद इसके कैस्टर व्हील्स को बॉटम में फिक्स कर सकते हैं और उसके बाद ये कूलर इजीली मूव किया जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बजाज कूलर की स्पेसिफिकेशंस। ये कूलर 190 वॉट्स का यूनिट कंज्यूम करती है और इस कूलर को रन करने के लिए ज़रूरत पड़ती है 230 वॉट्स की। इसकी RPM है 1350 एंड इसकी वाटर टैंक कैपेसिटी है 54 लीटर्स की। इसकी नेट वेट है 15.5 kg की और इसकी MRP है 13,490 रुपीज़। और इसकी रिटेल प्राइस वैरी करती है डिपेंडिंग ऑन रिटेलर्स स्कीम। मैं बेस्ट प्राइस का बाय लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। आइए अब इस कूलर को क्विकली करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी और इसकी एयर थ्रो को। और अनबॉक्सिंग करने के बाद यह है बजाज कूलर की फर्स्ट इम्प्रेशन। देखने में अच्छी क्वालिटी का एयर कूलर दिख रहा है। आइए अब इस कूलर को सारे साइड से क्लोजली देख लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके कंट्रोलर नॉब को। पहली वाली नॉब से फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है जिसमें दी गई 1, 2, 3 की सेटिंग। एंड सेकेंड नॉब से पंप एंड स्विंग फंक्शन को यूज़ किया जा सकता है। स्विंग करने के लिए आप पहली वाली सेटिंग पे इसे सेट कर दें और पंप के साथ अगर स्विंग को यूज़ करना चाहते हैं तो सेकेंड सेटिंग को हमें इसे यूज़ करना पड़ेगा और थर्ड वाली से डायरेक्ट पंप को यूज़ कर सकते हैं। पंप फंक्शन को हमें तभी यूज़ करना है जब आप इस कूलर में वाटर को फिल कर दें, अदरवाइज पंप ख़राब हो जाएगा। फ्रंट में 2 लीवर दी गई जिसकी मदद से लॉवर को अप एंड डाउन किया जा सकता है एंड कूलर की एयर थ्रो के डायरेक्शन को आप चेंज कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। यहाँ पे दिया गया है इसका वाटर लेवल इंडिकेटर और फ्रंट से वाटर इनलेट किया जा सकता है। जब भी वाटर फिल करनी हो तो आप इस इनलेट का यूज़ कर सकते हैं। ये है इसकी साइड व्यू। साइड एंड बैक पैनल को ओपन किया जा सकता है। वीडियो लंबी ना हो जाए इसीलिए मैं इसे ओपन करके नहीं दिखा रहा हूँ। और बॉटम में आप देख सकते हैं एक वाटर इनलेट कनेक्शन दिया गया है जिसमें आप वाटर टैप से पाइप को कनेक्ट कर सकते हैं।
बैक साइड में स्पेसिफिकेशंस के स्टिकर एंड इसके मॉडल के डिटेल्स को आप देख सकते हैं, वार्निंग दी गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कूलर का टॉप व्यू, और इसमें दिया गया है आइस चैम्बर। ज़्यादा ठंडी हवा के लिए आप आइस क्यूब्स को यहाँ पे रख सकते हैं। इस कूलर के साथ कैस्टर व्हील्स प्रोवाइड की गई है, और कैस्टर व्हील्स की क्वालिटी को देखा जा सकता है। टोटल 4 कैस्टर व्हील्स दी गई है, जिसे कूलर के बॉटम में फिक्स किया जा सकता है। और यह है इस कूलर का वारंटी पेपर। इसमें मिलती है हमें 1 ईयर की वारंटी, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जिस भी डीलर से इसे परचेज़ करें, सारी डिटेल्स को फिल करवा लें। ये हेल्प करेगी कूलर की होम सर्विस वारंटी को स्मूथली कवर करने में। और यह है इस कूलर का यूज़र मैनुअल। इसमें दी गई है डिफरेंट मॉडल्स की डिटेल, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसे ज़रूर पढ़ लें। ये हेल्प करेगी कूलर की सारी डिटेल्स को जानने में, इसे कैसे ऑपरेट करना है और कैसे मेंटेन रखना है, वो सारी डिटेल्स इस मैनुअल में प्रोवाइड की गई है। आइए अब इस कूलर की डेमोंस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि स्विंग फंक्शन को कैसे यूज़ करना है। सेकंड वाली नॉब को पहली सेटिंग पे सेट कर दें और स्विंग फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। पंप हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वाटर हम लोगों ने अभी इस कूलर में फील नहीं किया है। और लॉवर को देखा जा सकता है, लॉवर मूव हो रही है। कूलर की फ़ैन को स्टार्ट करने के लिए आप पहली वाली नॉब से इसे कुछ इस तरह से मूव कर दें। पहली वाली सेटिंग पे ये कूलर रन कर रही है। फैन की स्पीड को अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अभी मैंने इसे सेकंड पे सेट किया है, और उसके बाद आप देख सकते हैं थर्ड पे सेट है। इसका मतलब ये हाई स्पीड पे रन कर रही है। इसकी एयर डिलीवरी मुझे अच्छी दिख रही है। फ्रेंड्स, ये थी बजाज कंपनी के रिसेंटली लॉन्च किए गए 55DLX एयर कूलर की डिटेल्स। और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और जानकारी मिली होगी एक नए एयर कूलर के मॉडल के बारे में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। किसी भी क्लैरिफिकेशन के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उस कमेंट के ऊपर जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।